नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है विशाल परिहार और शुरुआत करते हैं हम दोस्तों आज के सेशन की। हर दिन सुबह 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं, वही डिस्कशन दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज के डिस्कशन में मोटिवेशनल कोट एक बहुत शानदार है। ये वही बातें हैं जो हम आपको बताते हैं रेगुलरली। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते। समस्या का गुलाम बनना क्या होता है? ये वो होता है कि हर बात पर रोना शुरू कर देना कि अरे यार ये हो गया, ये समस्या आ गई, ये परेशानी है, ऐसी प्रॉब्लम, ये चैलेंजेस है, ऐसा हो गया, एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस, जिनके सामने ये सारी की सारी चीजें बार बार आती रहती हैं और वो इसी का ही रोना रोते रहते हैं। वो कभी भी अपना भविष्य अपने हिसाब से नहीं चला पाते। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आपको महसूस होता है कि कई बार अगर आप अनजाने में भी ऐसा कर देते हैं, तो ऐसा करने से सबसे पहले बचो, वरना आप अपने भविष्य के लिए, आप अपने गोल के लिए आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ऐसा ये नहीं है कि करना गलत हो जाता है, बहुत ज्यादा अक्सर हमारे साथ ऐसा चीजें हो जाती है, मैं पता नहीं चलता। एग्जाम्पल देता हूं कैसे। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम उसके बाद कहते हैं यार मेरे पास वो किताब नहीं है, शायद वो किताब पढ़ लेता तो मैं हो जाता, मेरे पास वो अभी मैंने वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो देख लेता तो मैं कर लेता, उस दिन मैंने वो टेस्ट नहीं दिया था, टेस्ट में पढ़ लेता तो मैं ये कर लेता। ये सारी की सारी चीजें वही है जिसका हम रोना रोते हैं। अगर हम रोना रोएंगे तो बेकार है। हमें पता हो कि ठीक है हम नहीं कर पाए, वी नो इट, दैट इज द गुड थिंग, और उसके बाद उसे इंप्रूव किया जाए, बट रोना नहीं रोना है। ठीक है, ये प्रॉमिस करो खुद से प्रॉमिस करो कि जी सर ये प्रॉमिस करते हैं हम खुद से ऐसा नहीं करेंगे। दिस इज समथिंग जो कि आपको दिमाग में रखना है ना। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आज के आर्टिकल पढ़ेंगे, क्या क्या आए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं सबको। ठीक है, देखो जरा यहां चलते हैं। तो आज अपने पास क्या है, फ्राइडे है दोस्तों। तो फ्राइडे में वैसे आज पता आर्टिकल ऐसे आए जिनको यार पढ़ने वाले अपने एग्जाम के हिसाब के नहीं आ पाए। पहला आर्टिकल दोस्तों ये है, रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन में पॉलिटिक्स को लेकर दिया जा रहा है कि जिस तरीके से आपको मालूम है कोई पार्टी जब बड़ी हो रही होती है, एक्सपेंड हो रही होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी,
तो बाकी जो छोटी छोटी पार्टी हो रही होती है ना, वो उनके जो नेता वगैरह लोग होते हैं लीडर्स, वो उस बड़ी पार्टी में आ जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें होती रहती हैं। यहां फिलहाल बात हो रखी है भारतीय जनता पार्टी की, जो धीरे 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 एमर्ज होते हुए एक्सटेंड करते हुए काफी बड़ी पार्टी होती जा रही है, और मैक्सिमम जो लीडर्स है इधर उधर से आके उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें न्यूज के लिए है इंपॉर्टेंट, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एग्जाम के हिसाब से नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। पहला आर्टिकल अपना इंपॉर्टेंट नहीं बना एग्जाम के अकॉर्डिंग, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। सेकंड आर्टिकल दोस्तों आया है इंडिया और इंग्लैंड के बीच के मैच को लेकर है। अगेन ये सारी की सारी बातें में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई नया डिसीजन आया हो या बीसीसीआई को लेकर कुछ ऐसा हो जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनने जा रहा, तो हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे। ओल्ड एंड स्लो, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, इन दोनों को लेकर है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आर्टिकल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आप जरा सुनो। यहां चलते हैं इस आर्टिकल पर। आपको याद है कल हम लोगों ने यही आर्टिकल पढ़ा था, और जब हमने यह आर्टिकल पढ़ा था पूरा का पूरा पढ़ा था, याद करो दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 स्टूडेंट जिनको बरी कर दिया था, जो यूएपीए है ना, यूनिवर्सल एक्ट ऑफ प्रिवेंशन, यूनिवर्सल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है ना, तो उसके तहत जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको बेल दे दी गई थी। तो वही वाली बात है जो कि यहां पर लिखी गई है पूरे में, तो अब ये एक्सपेंड करके दूसरे राइटर उस चीज को डिटेल डिस्कशन करके बता रहे होते हैं, तो ये मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए, ये आप पढ़ेंगे। यहां चलते हैं, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल मैं पूरा पढ़ाऊंगा कि अभी फिलहाल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे हम उसको मेडिकल के क्षेत्र में और तरीके से यूज कर सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक क्या होगी चीजें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो ये मैं कराऊंगा। नेक्स्ट पेज पर आएंगे दोस्तों, यहां पर है ना, एवरी फ्राइडे क्या होता है, जब यहां पर इस वाले पेज में एक इंटरव्यू आता है, उस इंटरव्यू में एक सवाल होता है, उस सवाल पर डिस्कशन दो लोग कर रहे होते हैं, है ना। अब सवाल क्या है यहां पर, शुड इंडिया एक्सेप्ट इस्लामिक स्टेट रिटर्नीज, क्या इंडिया को इस्लामिक स्टेट रिटर्नीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी कौन होते हैं इस्लामिक स्टेट रिटर्नीज, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS, सब लोगों ने इसका नाम तो सुना ही हुआ है। अब है क्या कि बहुत सारे लोग जिनको वहां ISIS के लोग गुमराह करके किसी भी तरीके से अपने बातों में लाकर वो उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं। जब एक व्यक्ति को करते हैं तो उस व्यक्ति ही सिर्फ वहीं तक लिमिट नहीं रह जाती, उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ पूरा परिवार वो उसकी चपेट में आ जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। तो ऐसा क्या हुआ, एक केस के बारे में बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति था जो कि जिसने ISIS ज्वाइन किया, उसकी वाइफ थी, और उस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जिनको पकड़ा गया, वो अभी फिलहाल पाकिस्तान की जेल में है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम इसे छोड़ रहे हैं, आपको दे रहे हैं इंडिया को, तो इंडिया की जेल में रहे, इंडिया में इनका ट्रायल चले। अब ऐसी कंडीशन में क्या इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको लेकर ये डिस्कशन चलता चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है, जिसमें दो लोग हैं, जो एक कह रहे होंगे कर लेना चाहिए एक्सेप्ट, उनके पॉइंट्स होंगे, एक कह रहे होंगे जो करना नहीं चाहिए उनके पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट्स हैं दोस्तों जो कि हमें दिमाग में रखने, समझ गए मुझे बताएं। जी सर, अब हम बढ़ते हैं वो कैप पर और एक एक करके वो कैप लिखेंगे। मेरी आवाज सही आ रही है साफ? आपको दे रहे हैं इंडिया को, तो इंडिया की बहुत खर खर करके आवाज आती है ना, इसका मैं कैप लगा दूं, शायद सही आ जाए तब से आवाज। चलो वो क्या आप लिखना शुरू करेंगे। ओके, अब शायद सही आएगी, तो जितनी आएगी आप करते जाना आराम से सुनते जाना, ठीक है। वो क्या आप लिखेंगे दोस्तों आज की, वो क्या आप एक एक करके। ओके, वैसे आज की वो कैप के साथ साथ बता दूं, टेंस आज का खत्म, आज 9 बजे क्लास नहीं होगी। आज मैंने लेकिन आप लोगों के लिए एक सेशन स्पेशल है, यूट्यूब पर एक क्लास मैंने लगाई है जो आज 9 बजे नहीं है, आज है दोपहर में 2 बजे, आज दोपहर में 2 बजे 2 PM। अब ये क्लास का क्या टाइटल है सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए क्लास लगाई है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। क्या आपका एक अप्रोच होनी चाहिए, बेस्ट एक अप्रोच क्या अपना सकते हैं हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम दोपहर 2 बजे मिलेंगे यूट्यूब पर। आप में से जितने भी लोग हैं जिनको लगता है उनका रीअरेंजमेंट बहुत वीक है, आप यहां पर आइए,
पूरा एक घंटे का सेशन है। उस एक घंटे के सेशन में मैक्सिमम टाइप के कॉन्सेप्ट्स एंड साथ में क्वेश्चंस रीअरेंजमेंट के हम कर रहे होंगे। अपने आप की सारी के सारी चीजें जो आपको लगते हैं वीकनेस है, आ जाना, नोट करना पॉइंट्स को। बढ़िया रहेगा सेशन, बताओ मुझे, अच्छा रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि ये मैंने प्लान किया है आप लोगों के लिए। हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल क्लास में पढ़ते हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे हम शाम को 6 बजे, ये स्पेशल क्लास में है, है ना। और जो रेगुलरली यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर हम आज दोपहर 2 बजे पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अभी सेशन लगा नहीं हुआ इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट लग जाएगा सेशन आपकी 1 घंटे 2 घंटे बाद, फिर आपको शो होने लगेगा, ठीक है। चलो वो क्या आप लिखना शुरू करेंगे, पहला वर्ड है डी ओ एन, ये डॉन नहीं है, ये डन है, डन, डी ओ एन डॉन नहीं है, ये डन है, वर्ब की तरह यूज हुआ है, डनिंग करके यूज हुआ है, जिसका मतलब है पुट ऑन एन आइटम ऑफ क्लोथिंग, कोई भी किसी प्रकार का कपड़ा है कोई रख लेना, पहन लेना, ढक लेना, ये सेंस देता है हमें डन, ये आपका वर्ब की तरह दोस्तों यूज हुआ है। अगला वर्ड है ह्यूमेनॉइड, ह्यूमेनॉइड एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ह्यूमेनॉइड किससे बना है दोस्तों, ह्यूमन से बना है, हाँ ह्यूमन से बना है, ह्यूमनॉइड यानी ह्यूमन जैसा दिखने वाली कोई चीज, दैट इज द ह्यूमनॉइड। यहां पूरी वो पूरी रोबोट को लेकर बात हो रखी है, बड़ी आर्टिकल है जो अभी हम सीखेंगे आज। हैविंग एन अपीयरेंस और कैरेक्टर रिजेंबलिंग दैट ऑफ अ ह्यूमन, मतलब रिजेंबल मतलब उसी के जैसा दिखना, ह्यूमन के जैसी कैरेक्टर्स होना, ह्यूमन के जैसी अपीयरेंस होना, उसको हम बोलते हैं ह्यूमनॉइड होना, एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज हुआ है, इसको दोस्तों आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला वर्ड है आपके लिए, Here it is, seamless. Seamless आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, वर्ड के लास्ट में L-E-S-S less दिया हो या फिर F-U-L full दिया हो, दोनों ही केस में वो एडजेक्टिव होता है। ये भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब है स्मूद एंड कॉन्टिन्यूअस, स्मूद एंड कॉन्टिन्यूअस विद नो अपारेंट गैप्स और स्पेसेस बिटवीन वन पार्ट ऑफ द नेक्स्ट, मतलब दो पार्ट के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप ना हो, ऐसी चीजों को बताने के लिए, या फिर कोई काम हो रखा है वो स्मूद हो रखा है, कॉन्टिन्यूस, तो वो काम सीमलेसली होता चला जा रहा है, बिना रुकावट वो काम होता चला जा रहा है, उसे हम कहते हैं कि वो चीज आपकी सीमलेस है। याद रहेगा इस तरीके से, ऐसे करके दोस्तों याद रखिएगा। अगला वर्ड है आपके लिए इंट्यूबेशन, वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आ गया, नाउन की तरह यूज होगा, ये नाउन की तरह है, इंट्यूबेशन विच मींस द इंसर्शन, इंसर्ट का मतलब हो जाता है किसी भी चीज को शरीर के अंदर डालना, द इंसर्शन ऑफ अ ट्यूब इनटू अ पेशेंट्स बॉडी, पेशेंट के शरीर में किसी ट्यूब का इंसर्ट करना यानी उस स्टीप ट्यूब को वहां लगाना, उसके अंदर डालना, दैट इज इंट्यूबेशन, याद रखिएगा दोस्तों नाउन की तरह ये टर्म यूज हुआ है। अगला वर्ड है सेंटिनल, सेंटिनल भी नाउन की तरह यूज होता है, सेंटिनल भी नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है, यहां से याद रखो ये वाला यूज हुआ है आर्टिकल में, एन इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज, यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो कि किसी भी डिजीज के होने को बता रही है, तो वो आपकी चीज सेंटिनल कहलाती है, कि हाँ ये बता रही है कि ये डिजीज मौजूद है शरीर के अंदर। इसका एक और इस्तेमाल होता है वो ये है, ए सोल्जर या फिर गार्ड whose job is to stand and keep watch, जिसका काम क्या है कि सारी चीज को गार्ड करे और नजर रखे। तो असल में एक शरीर के अंदर अगर कोई ऐसा इंडिकेटर होगा तो वो भी तो गार्ड की तरह ही काम करेगा, तो इस्तेमाल में यूज उसका वही है, दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ऐसे करके यूज हुआ है। अगला वर्ड है फोस्टर, फोस्टर का मतलब क्या है, किसी भी चीज को एनकरेज करना, कोई भी काम हो रखा उस काम को और बढ़ावा देना, दैट इज फोस्टर करना। हमने लिखा एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग स्पेशली समथिंग डिजायरेबल, जो चीज की जरूरत है उसका आपने वहां पर कोशिश करी और उसको बढ़ावा देना, आपका फोस्टर कहलाता है, लालन पालन करना और बढ़ावा देना, किसी चीज को बढ़िया कर देना आपका, ये याद रखेगा, इस तरीके से याद रखना, दैट इज फोस्टर, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे करके यूज हुआ है। अगला वर्ड है आपके लिए दैट इज ड्रेकोनियन, एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज हुआ है ड्रेकोनियन, बेसिकली आपने टर्म कभी सुना हो ड्रेकोनियन एरा करके, एक ऐसा समय जहां पर राजाओं ने कुछ बहुत कठोर नियम बना रखे हैं वहां के लोगों के लिए, उस समय को हम ड्रेकोनियन एरा कहते हैं, ये मतलब हिस्ट्री में आपने टर्म कई बार सुना होगा, वही ड्रेकोनियन है, जिसका मतलब है ऐसे लॉज जो बहुत ज्यादा कठोर हैं, हार्श हैं, उन चीजों को आप ड्रेकोनियन कहते हैं। एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, हमने लिखा ऑफ लॉज और देयर एप्लीकेशन एक्सेसिवली हार्श एंड सीवियर, जो बहुत ज्यादा हार्श और सीवियर है, दैट इज ड्रेकोनियन, एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज हुआ, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे करके सब लोग ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है आपके लिए दैट इज
एनेथिमा, एनेथिमा नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब है समथिंग या फिर समवन दैट वंस वेहेमेंटली डिसलाइक्स या फिर हेटफुल, जो कि अभिशाप की तरह है, जो पसंद नहीं किया जाता किसी के द्वारा, जिसको हर कोई हेटफुल की नजर से देखता है, ऐसी कोई चीज एनेथिमा कहलाती है। वो चीज भी हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको लिख लो। अगला वर्ड है यहां पर ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबल एडजेक्टिव है क्योंकि बीएलई होता है, बीएलई एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई लगा, एडवर्ब बन गया। ऑस्टेंसिबली एडवर्ब है जिसका मतलब है कोई भी चीज एकदम क्लियर तरीके से आपको पता हो, as appears or is stated to be true, जिसके बारे में कह रहे हैं बिल्कुल सच है, do not necessarily so, जरूरी नहीं कि वो सच हो, बट ऐसा दिखता है, apparently कोई चीज ऐसी है जो दिखने में ऐसी है, प्रत्यक्ष रूप से जैसी है, that is ostensibly। इसका सब लोग आप लोग screenshot ले लो, this is your first slide, सभी लोग दोस्तों screenshot ले, फिर हम next slide पर move करेंगे, है ना। चलो डन, परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है पर यूजुअल। पर यूजुअल, अब इसका मतलब क्या है, द एक्शन ऑफ रीडिंग और एग्जामिनिंग समथिंग, किसी भी चीज को आप समझ पा रहे हैं, पर यूज से बना है पर यूजुअल। पर यूज वर्ब होती है और वहां से पर यूजुअल बनता है फिर नाउन। होता क्या है, किसी भी चीज को समझ पाना आपका पर यूजुअल कहलाता है। अगला वर्ड है वेंटेज, नया वर्ड आपके लिए होगा। वेंटेज नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब है ए प्लेस और पोजीशन अफोर्डिंग अ गुड व्यू ऑफ समथिंग, जहां पर किसी भी चीज के बारे में आपको कुछ अच्छा मिल जाए। वो कोई प्लेस हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए, उसको आप बोलते हैं दैट इज दी वेंटेज। हिंदी में सहूलियत लिख दिया ऐसे करके दोस्तों, याद रखिएगा। अगला वर्ड है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आपके लिए वर्ड ये भी नया हो सकता है। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर नाम से कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करता है, मतलब ये है द टर्म या फिर टर्म्स अप्लाई टू समवन और समथिंग, जो कुछ टर्म या फिर जो कोई नाम किसी के लिए अप्लाई हो रहे हैं कि ये तो इसके लिए यूज होता है, ये शब्द इसके लिए यूज होता है, ऐसे शब्द को आप कहते हैं दैट इज द नोमेनक्लेचर। ये आपका नाउन की तरह दोस्तों यूज हुआ है, पारिभाषिक हिंदी में लिख दिया, पारिभाषिकी करके हिंदी में लिख दिया, याद रखिएगा। अगला वर्ड है आपके लिए दैट इज ब्लिप। ये नाउन की तरह यूज होता है दोस्तों, ब्लिप, जिसका मतलब है एन अनएक्सपेक्टेड माइनर एंड टिपिकली टेम्पररी डेविएशन फ्रॉम अ जनरल ट्रेंड। जनरली जो चीज होती है उससे थोड़ा सा भटक जाना, उससे थोड़ा सा अलग हो जाना, अलग हो जाना, थोड़ा उससे विचित्र हो जाना, स्ट्रेंज हो जाना, आपका ब्लिप कहलाता है कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली कुछ अलग हो गया, दैट इज ब्लिप। ये आपका दोस्तों नाउन की तरह यूज हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगला वर्ड है रीसर्ज। रीसर्ज वर्ब की तरह यूज होता है। सर्ज का मतलब किसी चीज का ऊपर उठना, बढ़ना, पॉपुलर होना, लोग उसके बारे में अब ज्यादा जान रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सर्ज होना। रीसर्च दोबारा सब कुछ ऐसा होना, तो हमने लिखा टू बिकम पॉपुलर या फिर कॉमन अगेन, फिर से कोई चीज पॉपुलर हो जाना या फिर कॉमन हो जाना फिर से, दैट इज रिसर्च, वर्ब की तरह दोस्तों यूज हुआ है, याद रखिएगा। अगला वर्ड है सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। कोई भी एक ऐसी चीज या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रखी है, उस चीज को, उस सिचुएशन को आप सर्पेंटाइन कहते हैं, एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज होता है। हमने लिखा कॉम्प्लेक्स, कनिंग या फिर ट्रेशरस, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, उसको हम बोलते हैं सर्पेंटाइन, एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज हुआ है, इसको याद रखिएगा सभी के सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए दैट इज स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या है, शो अ कॉन्टिन्यूअस एंड ड्रामेटिक इंक्रीज।
एकदम से तेजी से और लगातार इंक्रीज होते जाना किसी चीज में, दैट इज स्पाइरल बनना। स्पाइरल आप जानते हैं ऐसे करके वो वाली डायरी जिसमें से स्प्रिंग लगी होती है, इस शेप को भी हम स्पाइरल कहते हैं, शेप को। तो जब कोई चीज तेजी से ऐसे बढ़ती चली जाती है ना, इसलिए हम वहां पर भी इसको यूज कर लेते हैं, स्पाइरल के सेंस को। ऐसे करके याद रखिएगा, मतलब ड्रामेटिक और कॉन्टिन्यूस इंक्रीज को बताता है स्पाइरल। अगला वर्ड है एनाहिलेट। अगला वर्ड है एनाहिलेट। एनाहिलेट है वर्ब की तरह यूज हुआ है, जिसका मतलब है डिस्ट्रॉय अटरली या फिर ऑब्लिटरेट, मतलब किसी चीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, मिटा देना, खत्म कर देना, तहस नहस कर देना, नाश कर देना, वो आपका सेंस देता है, दैट इज एनाहिलेट, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, इसे याद रखिएगा। अगला और आखिरी वर्ड यहां पर आया, दैट इज मैरोडिंग। तो मैरोडिंग है एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, जिसका मतलब है गोइंग अबाउट इन सर्च ऑफ थिंग्स टू स्टील और पीपल टू अटैक। आप क्या काम करने जा रहे हैं, या तो कुछ चुराने जा रहे हैं या फिर लोगों के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आपकी सेकंड स्लाइड, फिर हम बढ़ेंगे आर्टिकल पर। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अच्छा लगा है सीखते जा ही रहे हैं, थम्सअप भी दे दें सभी लोग, बढ़िया सेशन होता है अपना। 900 लोगों ने थम्सअप दे दिया, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाकी लोग भी थम्सअप दे दो जल्दी से, भूल मत जाना है ना। ओके, डन, परफेक्ट है। चलो 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 चलो, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, सबने इसको लिख लिया, चलते हैं हम आर्टिकल पर। ठीक है, ये रहा आर्टिकल, आओ उसे पढ़ते हैं। ठीक है, काम की चीज अपने लिए ये वाला आर्टिकल बनता है सबसे पहले, इसी को पढ़ेंगे दोस्तों। आप बिल्कुल एकदम नए हो ना, मैं आपको बताता हूं, वर्ड टू वर्ड आप पढ़ोगे, एक एक करके आपको समझ में आएगा सारी चीज। क्या बात बोली जा रही है यहां पर, बेसिकली यहां पर यह कहा गया कि अभी हम टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को और अच्छा किया तो मेडिकल के फील्ड में ये काफी बेहतर रहेगा। अब जैसे कि अगर ऐसा हो जाए, फिलहाल अभी जैसे होता रहा, टेक्नोलॉजी में रोबोट्स का इस्तेमाल करने का मतलब मशीन सी है। रोबोट का मतलब ऐसा तो है नहीं कि रोबोट का मतलब सच का कोई इंसान ही दिखे, इंसान के जैसा ही दिखे तभी रोबोट है। हर वो मशीन जो कोई काम करती है, जो हम लोग कर सकते हैं, वो अगर मशीन काम करे तो उसको रोबोट ही कहते हैं, हम कुछ और नहीं कहते, वो रोबोट ही है ना। अब उस रोबोट में, अभी जब कोविड जब इतनी तेजी से फैला है और अभी भी जब चल रहा है, तो इन सब में रोबोट्स ने बड़ा हेल्प की। जैसे कि चाहे आप जो बैंड यूज करते हैं हाथ में पहनने वाला, जो आपकी पल्स रेट को बताता है, वहां से लेकर बड़ी बड़ी मशीन जो है वो सब रोबोट्स की कैटेगरी में आती है। अगर डॉक्टर खुद जाकर आपकी हेल्प करता है, नर्स खुद जाकर आपकी हेल्प करते हैं, या फिर जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स में मेडिकल स्टाफ में आता है वो आपकी हेल्प करते हैं, ऐसे में सबसे बड़ा खतरा उनको खुद को है, क्योंकि उनके खुद के पास कोई भी ऐसा प्रोटेक्टिव गियर नहीं है जिसकी वजह से वो बचे रहे और आपको बचा ले। बहुत सारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ हैं जो कि कोविड से इन्फेक्ट हो गए, और उनमें से भी कई सारे ऐसे जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। अगर उनकी जगह ऐसा होता कि ऐसी सिचुएशन में आते टाइम पर कोई हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते, रोबोट्स का इस्तेमाल करते और मशीन का इस्तेमाल करते जो आपका ट्रीटमेंट कर पाए, तो कितना अच्छा हो सकता है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटे 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 हिस्सों पर कई हिस्सों पर डॉक्टर्स ने ये किया है, तो धीरे धीरे बड़े लेवल पर भी करने की पूरे के पूरे चांसेस हैं। इसको लेकर ये आर्टिकल दोस्तों पूरा का पूरा यहां पर है। तो आओ जरा इसको आर्टिकल पढ़ते हैं। ए प्लेस फॉर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन इंडियाज हेल्थ सेक्टर। इस एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का इंडिया के हेल्थ सेक्टर में क्या कोई जगह है, कोई भी? और देखते हैं कितनी जगह की बात कर रहे हैं, इधर पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या है? धीरे धीरे उसको इंफॉर्मेशन देते जाना, एक मशीन है, उसको आपने कुछ इंफॉर्मेशन दी, अब वो उन इंफॉर्मेशन के डॉट्स कनेक्ट करने लग जा रही है मशीन, और खुद ही चीजों को समझने लग जा रही है कि अच्छा ऐसा और अब ऐसा होगा। दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिंपल एक इंफॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन का सिंपल जवाब या आंसर आ रहा है, दैट इज द सिंपल टेक्नोलॉजी। बट उन सारी इंफॉर्मेशन के डॉट्स को कनेक्ट कर करके वो खुद से कुछ सोच के कुछ बता पा रही है, दैट इज द इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दैट्स ऑल, बस
ऐसे करके। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस सिस्टम्स, डेटा एनालिटिक्स हैव अ डिफाइनिंग रोल टू प्ले इन शेपिंग द मेडिकल सेक्टर। इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा मेडिकल सेक्टर को शेप करने में, यानी मेडिकल सेक्टर को बनाने में। देखो जरा, एज फ्रंटलाइन वॉरियर्स फाइटिंग कोविड 19, द मेडिकल कम्युनिटी हैज बीन सेल्फलेस, वो बिल्कुल सेल्फलेस बनी रही, बट ऑल्सो लूजिंग अ नंबर ऑफ स्टाफ इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में नंबर ऑफ स्टाफ भी उन्होंने खोया है, बात ये भी बिल्कुल सच है। नर्सेज अटेंडेंट ऑन फुल टाइम ड्यूटी डोनिंग मेनली मास्क एंड ग्लव्स, इनके पास सिर्फ मास्क और ग्लव्स ही होते हैं प्रोटेक्टिव गियर के नाम पर, एज द ओनली प्रोटेक्टिव गियर हैव बीन एक्सपोज टू ग्रेट रिस्क, और वो एक भारी रिस्क में हमेशा एक्सपोज रहे हैं। It is in such a situation, एक इस तरीके की situation हो गई, that the relevance of disruptive technology and its application comes into focus, कि अब इसकी relevancy सामने आती है, technology की जरूरत सामने आती है, potentially helping to reduce the chances of hospital staff contracting the infection, जिसमें भारी मात्रा में जो hospital staff है उसको infect होने से काफी हद तक कम कर सकते हैं technology का इस्तेमाल करके। Let's see how। और अपने देश में कई सारे hospitals में बहुत तरीके की technologies का इस्तेमाल किया गया, और ऐसा नहीं बड़े लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर। अब देखो, देयर आर रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स हैं इन दी ग्लोबल मीडिया में ऑफ एस्टैब्लिश्ड इनोवेटिव फील्ड हॉस्पिटल्स की यूजिंग रोबोट्स, जहां पर रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया टू केयर फॉर कोविड 19 अफेक्टेड पेशेंट्स, कोविड 19 के अफेक्टेड पेशेंट्स की केयर करने में। जरा सोचो कितना अच्छा रहेगा कि ऐसी कोई डिजीज है जिसमें ह्यूमन कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसको नुकसान हो सकता है, डॉक्टर आ नहीं रहे, तो रोबोट्स अगर ऐसा हो, रोबोट को नुकसान नहीं होगा उस वायरस से, ये सबको पता है अगर, तो कितना अच्छा रहेगा, ऐसी बहुत सी चीजों में इस्तेमाल हो पाए। और ऐसा इस्तेमाल हुआ है जिसमें एक एग्जांपल उन्होंने यहां दिया, देयर आर हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल हैं इन चाइना, चाइना में, दैट यूज 5G पावर्ड टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस, जिसमें 5G पावर टेम्परेचर मैनेजमेंट डिवाइसेस लगे हुए एट द एंट्रेंस ऑफ फ्लैग पेशेंट्स हु हैव फीवर लाइक सिम्टम, जो कि इन सारी चीजों को पहचानते हैं। अदर रोबोट्स मेजर, और भी बहुत से रोबोट्स हैं जो मेजर करते हैं हार्ट रेट्स को, ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स को थ्रू स्मार्ट ब्रेसलेट्स रिंग्स दैट पेशेंट्स वियर, जो पेशेंट्स को पहना दी जाती है। दे कैन सैनिटाइज वार्ड्स, वो पूरे पूरे वार्ड्स को सैनिटाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके की मशीन्स ऑलरेडी कुछ वर्किंग हैं। लास्ट ईयर इंडिया में दी, ये एक हॉस्पिटल का नाम है, सवाई मान सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल जयपुर का है, हेल्ड ट्रायल्स, इसमें भी इस हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रायल्स किए विद अ ह्यूमनॉइड रोबोट, एक ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ टू डिलीवर मेडिसिन, कि वो जाकर मेडिसिन पहुंचाता था, फूड पहुंचाता था टू कोविड 19 पेशेंट्स तक एडमिटेड देयर, जो वहां पर एडमिटेड थे। तो अपने ही देश में काफी हद तक चीजों को एडवांस किया जा रहा है, और इसमें अगर फ्यूचरिस्टिक सोचे तो काफी बढ़िया फ्यूचर सोचने को लगता है। ये तो बात आप जानते। देखो आपको बताऊं, अभी बहुत सी चीजें बहुत से लोगों को बहुत लगता होगा कि यार कैसे होगा, जैसे कि पॉसिबिलिटी कम लगती। मैं आपको बताऊं, अपने देश में आज से हम बात करें 2000 की, सन 2000 की बात करें, मैं आपको बताता हूं, हमारे टीचर्स थे तो वो बताया करते थे जब ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था अपने देश में, कुछ भी नहीं था, तो जैसे न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी कहीं लिखा होता था ना कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में क्या हो जाएगा, कि आप बाकी देशों में ऐसा होता है, तब न्यूज़पेपर ही होते थे कि कंप्यूटर के माध्यम से आप खरीदारी कर सकते हैं, तो टीचर्स बताते थे कि यार हम शॉक्ड होते थे, हमें समझ में नहीं आता था कि ऐसे कैसे कंप्यूटर से कोई खरीदारी कर लेगा, कंप्यूटर से कैसे कोई किसी को पैसा देगा, कंप्यूटर से कैसे किसी से हम कोई कपड़ा खरीदें या कुछ भी खरीदेंगे, क्योंकि तब हम सोच नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमें पता नहीं था, बट चीजें तो थी ना तब भी इंडिया में नहीं पता था, यही तो बात होती है। आज इंडिया में जितनी जानकारी नॉलेज हमारे पास है वो अभी बहुत कम नॉलेज, बहुत कम जानकारी, अगर हम कंपेयर करें किसी भी डेवलप्ड कंट्री से, स्पेशली यूएस से करें, रशिया से करें, जापान से करें, ये वाली बात है। सेम एज इंडिया में टेक्नोलॉजी आई धीरे धीरे, फिर उसके बाद जो हम लोग के सामने जितनी भी मूवीज, जो साईफाई मूवीज होती है ना, साईफाई मूवीज में दिखाया जाता है, स्पेशली इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मूवी हुई थी, पहली जो साईफाई मूवी थी वो थी आयरन मैन,
आपको पता होगा इसके बारे में ना, तो काफी बड़ी कहानी है इसकी कि आयरन मैन जब मूवी इंडिया में आई तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आया, जो यंग जनरेशन थी उसको बड़ा मजा आने लगा, लोगों को समझ आने लगा। हालांकि बहुत से लोग तब भी कह रहे होंगे ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, बट चीजें तो वो सारी पॉसिबल है जैसा मूवीज में दिखाया जाता है। तो वो चीजें जो पॉसिबिलिटी आज कंप्लीट पॉसिबल है जो कि उसका फर्स्ट पार्ट में कभी दिखाया गया था, समझ रहे चीजें। तो ऐसी चीजें हैं जो कि आज हम यहां देख रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में ये जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सकते हैं। पॉइंट्स हमारे सामने सारे के सारे हैं। बात समझ में आ गई सबको तो मुझे बता दें जी सर वी गॉट इट, एक बार सब लोग बता दें यस सर वी गॉट इट, है ना। और बाकी आप लोग बता सकते हो आपकी कौन सी साईफाई मूवी थी, पहली साईफाई मूवी आपकी कौन सी थी जिसको देखकर आपको इंटरेस्ट आया होगा और आपको लगा यार ये बढ़िया है ना। वो वाली मत बता देना जादू, वो साईफाई मूवी नहीं थी, वो कुछ और था, ठीक है। तो उसको साईफाई मूवी नहीं कहते हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जो चीज बन पाए हम उसको कहते हैं, ठीक है। द क्रिटिकल एस्पेक्ट इज हाउ न्यू टेक्नोलॉजीज कैन इंप्रूव द वेलफेयर ऑफ सोसाइटीज। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं कैसे वेलफेयर ऑफ सोसाइटीज, सोसाइटीज के वेलफेयर को इंप्रूव कर सकती हैं, रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल जो डिजीजेस होती हैं उनके इंपैक्ट को कम कर सकते हो, स्पॉटलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज के इंपॉर्टेंस को बता पाए, सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग आज के टाइम पे सबसे मेन और इंपॉर्टेंट हो चुका है, डेटा एनालिटिक्स, 5G, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब हेल्प करेंगी, कैन हेल्प इन एड्रेसिंग द इंटर ऑपरेबिलिटी चैलेंजेस दैट हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम फेस, जो कि अभी ये फेस करते हैं। ओके, तो ये सब तो भैया इसमें हेल्प करेगा, मदद करेगा, हमने यहां पर देख लिया। ओके, अब पर चलते हैं दोस्तों हम इसमें आगे। The health blockchain would contain a complete indexed history of all medical data, यानी जो health blockchain है वो completely क्या करेगा, ये complete index history of all medical data बनाएगा कि भैया पहले पहले क्या क्या हो चुका, उसके पास सब कुछ होगा। एक डॉक्टर इंसान के पास इतना नहीं होगा जितना कि उस मशीन में डेटा फीड किया जा सकता है, इंक्लूडिंग फॉर्मल मेडिकल रिकॉर्ड्स भी लगाए जा सकते हैं, हेल्थ डेटा फ्रॉम मोबाइल एप्लीकेशंस एंड वियरेबल सेंसर्स वगैरह ये सब कुछ ऐड किया जा सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन सिक्योर नेटवर्क एंड ऑथेंटिकेटेड बिसाइड्स हेल्पिंग इन सीमलेस मेडिकल अटेंशन, और जहां पर सीमलेस मेडिकल अटेंशन बना रहेगा कॉन्टिन्यूअसली। इससे क्या होगा, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि आप उसको इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा देंगे, वो ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन, वो उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते करते बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आते देता 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 रहेगा। जितना ज्यादा उसके पास होगा उतना अच्छे से आंसर उसे मिलेगा। आज आपको गूगल पे कुछ मिलता है वो इसलिए सर्च करके मिलता है कि किसी ने वो अपलोड किया, अगर कोई अपलोड नहीं करता तो नहीं मिलता। सेम एज आज यूट्यूब पर आप कुछ भी सर्च करो, मतलब मैं आपको बताता हूं मैं YouTube पर कुछ भी ऐसा सर्च करूं, कुछ भी जो शायद आज तक मेरे दिमाग में ना हो तो वो भी किसी ना किसी ने बना रखा होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, अगर मैंने ये सर्च करना है कि ये एक चश्मा होता है, चश्मा ये चश्मे का बॉक्स होता है, हाउ टू ओपन द बॉक्स, या फिर हिंदी में मैंने लिखा चश्मे के बॉक्स को कैसे ओपन करें, तो इसको लेकर भी कोई वीडियो मिल जाएगा। मतलब आप पॉइंट समझो, ये सब कुछ क्यों मिल जाएगा, क्योंकि किसी ने वो इंफॉर्मेशन बनाई है, किसी ने वो इंफॉर्मेशन दी है। तो जितनी ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा सिचुएशन होगी उतना ब्रॉड तरीके से उस चीज को अच्छे से समझाया बताया जा सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही है। ओके, अब आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों, और क्या बात है यहां पर। बिग डेटा एनालिटिक्स कैन हेल्प, ये ज्यादा ज्यादा डेटा एनालिटिक्स होगा ये हेल्प करेगा। वैसे अब आप ये खुद ही पढ़ोगे, मैं क्या पढ़ाऊंगा इसको आपको और बताता हूं। देखो हेल्प कैसे होगी, फर्दरिंग यूएचसी, यूएचसी है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं, ये है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज द सिंगल मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट दैट पब्लिक हेल्थ हैज टू ऑफर, जो कि यहां पर होना चाहिए लोगों के लिए। इट इज अ पावरफुल सोशल इक्वलाइजर एंड द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ फेयरनेस, क्योंकि इसमें क्या सबको इक्विटी के साथ, मतलब इक्वल लेवल पर सबको एक तरीके से ट्रीटमेंट मिल जाता है जब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में हम बात करते हैं। द क्वेश्चन इज अबाउट हाउ यूएचसी कैन बी अचीव्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, सवाल ये है। लेड बाय अ रोबस्ट स्ट्रेटजी इंटीग्रेटिंग ह्यूमन, जहां पर हम एक ऐसी स्ट्रेटजी को यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग ह्यूमन होगा।
फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज होंगे। स्टडीज बाय WHO, WHO के द्वारा स्टडीज है वो ये दिखाती हैं, शो दैट वीकली कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स, अगर आपके स्टेप्स कमजोर हैं, मजबूती से नहीं लिए गए, वीक है, वीकली कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स है, मेली टू स्टैंड अलोन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, लीडिंग टू अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिजल्टिंग इन पुअर डिलीवरी ऑफ केयर। यानी कि शुरुआत में अगर वीकली कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स होंगे तो इंफॉर्मेशन सब अलग थलग हो जाएगी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, और जो से सोल्यूशन निकलेगा फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा उसका, वो भी बढ़ जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा, पुअर डिलीवरी ऑफ केयर, और केयर का डिलीवरी बिल्कुल खराब रहेगी, मतलब उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसका मतलब जो हमारा स्टेप्स होने चाहिए वो स्ट्रॉन्गली कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स होने चाहिए। एक इन्होंने ये बात बताई कि सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, बात बिल्कुल ठीक है। आ जाओ, इंडिया नीड्स टू ओन इट्स डिजिटल हेल्थ स्ट्रेटेजी, इंडिया को अपनी कुछ डिजिटल हेल्थ स्ट्रेटेजी को बनाना पड़ेगा, दैट वर्क्स एंड लीड्स टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड पर्सन सेंटर्ड केयर हो। सच अ स्ट्रेटेजी शुड एम्फसाइज द एथिकल अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज क्रॉस द डिजिटल डिवाइड एंड श्योर इंक्लूजन अक्रॉस इकोनॉमी, सब को इंक्लूड कर लिया जाए, सब तक हेल्थ कवरेज पहुंचे, ये सारा का सारा काम करने का पूरा मकसद है। अब ये बातें यहां पर लिखी हुई है, आयुष्मान भारत का एग्जाम्पल दिया है कि उसके थ्रू हम कर लेंगे। चाहो यूजिंग लोकल लैंग्वेज, अब आपको इसे पढ़ लेना है, दिस इज फॉर यू, और एंड में दिया हुआ यहां पर, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। पॉसिबल चैलेंज, क्या चैलेंज हमारे सामने आएंगे, मेन चैलेंज आएंगे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर, क्योंकि अभी हम लोग इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाए हैं, और टेक्नोलॉजी के मामले में डेवलपिंग है इंडिया और धीरे धीरे और डेवलप हो रहा है, तो कुछ चैलेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे, बिना चैलेंजेस के कोई काम नहीं हो सकता। चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाएगा, इन सारी चीजों को लेकर धीरे धीरे आगे करके बनेगा। तो दिस इज द आर्टिकल नंबर 1 जिसको मैंने यहां पर करके छोड़ा है, आपको पढ़ना है बाकी पूरा। समझ में आ गया आर्टिकल आज, क्योंकि आज अपने एजुकेशन वाले यार आर्टिकल ही नहीं मिले, पहला ये आर्टिकल है और बाकी ये वाला पुराना आर्टिकल है, बाकी दूसरे वाले पेज पे चलते हैं वो समझ में आएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया तो मुझे बताएं जी सर, और थम्स अप देकर मुझे बताएं, बाकी सेकंड आर्टिकल में बताता हूं। और सुनो 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 सुनो, लाओ मैं देख लूं, अगर 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 सेशन लगा हो, अभी आया नहीं है सेशन, आपको दिख जाएगा अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स में 2 बजे देखेगा, तो आज आप सभी के सभी लोग दोपहर 2 बजे YouTube पर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को, जिसको पढ़ना है, जिसको वीक लगता है दोस्तों और कहीं कहीं दिक्कतें आती रहती हैं, तो आप सबके लिए बढ़िया सेशन है, तो आज दोपहर 2 बजे जुड़ जाना आप लोग YouTube पर। अभी सेशन लगा नहीं है, लग जाएगा तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा, आप खुद देख लेना दोपहर 2 बजे, ठीक है। समझ गए मुझे बोले जी सर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके परफेक्ट, बढ़िया है। और थम्सअप हम सब नहीं दोगे क्या, 1300 लोगों ने थम्सअप दिया है, कंजूसी दिखा दी क्या फिर से आज, कंजूसी क्यों, कंजूसी दिखा दी आज फिर से, 1300 लोगों ने थम्सअप दिया, 2000 लोग देख रहे हैं, थम्सअप सिर्फ 1300, बाकी थम्सअप ले जा रहे हो किसी और के लिए, तुम्हें इतनी बढ़िया बात बताई मैंने, यहां तुम्हें सुबह सुबह मैं कहानी सुना देता हूं, हाँ, और न्यूज़पेपर को देख के लगता ही नहीं तुम्हें कि वो न्यूज़पेपर है, इतनी बढ़िया आया तुम लोगों ने, थम्सअप नहीं दिया यार, ये गलत बात है, थम्सअप कर दिया करो यार, थम्सअप नहीं करो तो मजा नहीं आता, फिर रखता रहे यार, इतना बढ़िया सेशन होता है, थम्सअप नहीं करे यार, है ऐसे मत क्या करो, थम्सअप तुम ही लोग तो थम्सअप करोगे, तुम लोग थम्सअप नहीं करोगे तो कौन करेगा, है तुमसे नहीं कहूंगा तो मैं किससे कहूंगा बताओ, बिट्टू भैया से कहूंगा क्या, नहीं ना। शुड इंडिया एक्सेप्ट इस्लामिक स्टेट रिटर्नीज, वो जो पूरी कहानी बताई थी पाकिस्तान और ISIS, आओ Respecting international law को respect करते हुए India should bring them back, India को उन लोगों को वापस लाना की जरूरत है, and try them in court, और अपनी ही court में उनका try होना चाहिए, try मतलब trial होता है ना, trial noun, try verb, यानी कि सारी कार्यवाही अपनी कोर्ट में होनी चाहिए एज इंडियन सिटीजन के नाम पर। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फिलहाल अभी हम केस बताते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ISIS को ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी तरीके के बातों से मोटिवेट होकर, किसी दूसरे की बातों की गुमराह होकर, और फिर वो उसे ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ वो नहीं उनका पूरा का पूरा परिवार जो होता है वो बड़ी मुश्किल में फंसता है पूरे तरीके से। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, और क्या हुआ है तो जरा सुनो, 2016 और 18 के बीच की बात है, 4 विमन, 4 महिलाएं हैं फ्रॉम केरला,
accompanied their husbands, उन्होंने अपने अपने husbands की help करी थी to join the Islamic states को join करने में in Afghanistan's Khorasan province, उस province के लिए. Their husbands were killed, उनके husbands तो मारे गए in different attacks में, and the women, जो महिलाएं हैं, are now lost in an Afghanistan prison. मैंने शायद पाकिस्तान बोल दिया था गलती से, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में रहा, सही कर लेना. तो वो ही पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जेल में वो है. तो अथॉरिटीज जो है अफगानिस्तान की, वो क्या चाहती हैं, वांट टू रिटर्न द विमेन टू इंडिया, वो चाहते हैं कि वो महिलाएं इंडिया वापस चली जाएं और इंडिया में उन महिलाओं के ऊपर जो केस चल रहा है वो वहां पर चले. But the Indian government has not indicated what it proposes. But Indian government ने कुछ indication नहीं दिया कि वो क्या चाहती है to do in this matter, इस matter में. Okay, तो ये फिलहाल हमारे सामने situation है. Sources क्या कहते हैं? Sources ये कहते हैं कि security agencies have advised against taking them back. उन्होंने ये advice दी कि भैया इनको वापस ना लिया जाए. What do international laws say? International laws क्या क्या कहते हैं अबाउट फॉरेन फाइटर्स रिटर्निंग टू देयर कंट्रीज. तो इसको लेकर अब यहां पर डिस्कशन है. अब ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं के पी फेबियन और कबीर तनेजा, ये दो लोग हैं जो कि यहां पर डिस्कस कर रहे हैं और ये डिस्कशन यहां पर बनता चला जाएगा. सबके अपने अपने करके पॉइंट है. तो अब ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, ये आपको पढ़ना है. पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों कि आपके लिए पढ़ने के लिए क्या है, ये है आपके लिए. अच्छा आप बताओ ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए ये बताओ मुझे. क्योंकि पता है जब कोई व्यक्ति ऐसे करके शामिल होता है, आईएसआईएस में शामिल हो गया, वो शामिल हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ना किसी लड़ाई झगड़े में जाएगा और वहां पर वो कई सारे लोगों को मार देगा. ऐसे में क्या करना चाहिए, जो उसका सपोर्ट कर रहा है, अपने हस्बैंड का सपोर्ट किया उनकी वाइफ ने, तो उसके हस्बैंड ने जितने लोगों को मारा होगा उन सब का हिस्सेदार उसकी वाइफ भी है. इनफैक्ट हर वो व्यक्ति होता है जो सपोर्ट करता है. ऐसा तो नहीं जिसने गोली चलाई वही ज्यादा है, जो कह रहा है कि चला गोली वो नहीं है. पॉइंट है ना, ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी चीजें होती है. देखो इंडियन गवर्नमेंट सोचेगी क्या करना है और हम क्या करेंगे, उनको ले आएंगे इंडिया में, फिर क्या होगा, पता है कि भाई उन्होंने सपोर्ट किया तो उन पे केस चल रहा होगा, उन्हें इंडिया की जेल में रखा जाएगा, बड़ी खातिरदारी होती रहेगी, चलता रहे, क्या होगा क्या उससे. कुछ अच्छे पॉइंट्स भी होंगे, कुछ बुरे पॉइंट्स भी होंगे. बुरे वाले ज्यादा हैं, अच्छे वाले कम हैं, लेकिन अच्छे वाले के लिए ही हम लोग जाने जाते हैं. तो ज्यादातर जो यहाँ पर एडवाइस है ओवरऑल वाली, वो अच्छे की तरफ ज्यादा आ रही कि भैया वापस बुला लो और जो करना है वो इंडिया करेगी अपने हिसाब से, जो सजा देनी है वो इंडिया सजा देगी. क्योंकि देखो सजा तो मिलनी चाहिए और इंडिया और इंडियन कोर्ट्स में क्या सजा मिलेगी वो इंडियन कोर्ट डिसाइड करे तो ज्यादा अच्छा है. जब सजा मिल रही है अफगानिस्तान की कोर्ट डिसाइड करे, बेहतर है इंडिया की कोर्ट डिसाइड करे. तो ये वाले पॉइंट ज्यादा आते हैं. तो ऐसे करके यहां पर चीजें, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों. तो ये है हमारे सामने. बाकी अब सेशन को दोस्तों करते हैं हम आज के खत्म. अब हम मिलेंगे आपसे दोपहर के 2 बजे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस की क्लास में. 1 घंटे की पूरी क्लास करेंगे, शानदार, ठीक है. उसके अलावा शाम के 6 बजे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो करते हैं, तो शाम के 6 बजे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मिलेंगे, वो है स्पेशल क्लास. अब कैसे मिलेगी आपको स्पेशल क्लास, मैं आपको शो करके दिखाता हूं. बहुत सिंपल है स्पेशल क्लास में आना और प्लस की क्लास में भी आना, वेरी वेरी इजी. नंबर वन, आपको काम क्या करना होता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है. दोस्तों आपने ऐप डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल किया, ठीक है. अगला स्टेप होगा आपका यहां पर, दूसरा स्टेप होगा मेरा नाम ढूंढना है, विशाल परिहार, ठीक है, मैं मिल जाऊंगा और मुझे फॉलो कर लेना. मुझे फॉलो करके जब मेरी प्रोफाइल में आप आएंगे तो जैसे प्लस लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा होगा स्पेशल, और आप स्पेशल की क्लास में टैप करोगे आपको वो क्लास शो हो जाएगी. क्लास को आप एनरोल कर लो, और एनरोल करोगे तो वहां पर आपको कोड लगाना होगा और ये है आपका कोड AVP10. आप इस कोड को लगाएंगे और आपकी क्लास ओपन हो जाएगी. सेम थिंग अप्लाई होती है जब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं. सब्सक्रिप्शन के लिए आप क्या करना है कि आप जैसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप ओपन करेंगे, आप मेरा नाम ना ढूंढने, सिंपल आप क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले आएगा कौन सा आपको एग्जाम आपका गोल है, तो आपने चूज किया बैंक एग्जाम, आपको गेट सब्सक्रिप्शन की स्लाइड मिल जाएगी और वहां पर आपके सामने दिख जाएगा 6, 12 और 24 मंथ्स की फी. लेकिन सबसे पहला काम आपको करना है, जितनी भी मंथ्स की फी दिख रही है सबसे पहले इस कोड को लिखकर आपको अप्लाई कर देना, या रेफरल कोड लिखा होगा.
आपने कोड लिखकर अप्लाई किया एबीपी 10, तो सभी मंथ्स की फी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है सभी मंथ्स की, है ना। और ऐसा सिर्फ बैंक को लेकर नहीं है, आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप एसएससी चूज करो, यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप वो चूज करिए, कुछ भी आपने चूज किया सबके साथ सेम ही चीज है। सबसे पहले आप काम नहीं किया, आपने एक कोड लगाया एबीपी 10, सबकी फी कम हो जाएगी, फिर आपने अपने अकॉर्डिंग चूज किया। जैसे फिलहाल बैंक के लिए मैं रिकमेंड करता हूं 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि सारे एग्जाम्स आपके साल भर के एग्जाम्स कवर हो जाएंगे और उसमें किसी ना किसी एग्जाम में तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि कोई ना कोई आप चाहे कितने भी वीक हो, आप 2-4-5 महीने बाद तो इतने स्ट्रॉन्ग हो ही जाओगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये है आपकी फी 5850 फिलहाल बैंक सब्सक्रिप्शन की। आप सब्सक्रिप्शन लोगे, यहां से आपका पेमेंट हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन डन। और जैसे आपने मेरा नाम ढूंढा था ना, विशाल परिहार, मेरी प्रोफाइल में आके मेरी क्लास मिली, प्लस पे आकर प्लस की क्लास, स्पेशल पे आकर स्पेशल की क्लास, सेम एज हर एक टीचर का नाम ढूंढोगे आपको उनकी क्लास मिलेगी। फिलहाल जैसे मैं आपको बताता हूं, अरुण सर, पुनीत सर, हाँ अरुण सर पुनीत सर की क्लास है दोस्तों, ये देखो अरुण सर पुनीत सर की क्लास है दोस्तों, जो कि 16 से स्टार्ट हुई है, कल थी 17, अब कल सिर्फ पुनीत सर की क्लास हुई, अरुण सर की नहीं। एक स्टेप उन्होंने बीच के कल का छोड़ा कि आज क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने लेट एडमिशन लिया था, कल बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो आप लोग इस वीडियो को, सर की वीडियो को ऑफलाइन देखना, बट मैं हाईली स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप देखना जरूर, है ना, इससे बेनिफिट आपका होगा। तो 16 तारीख से सर की क्लास शुरू हुई थी, तो आप में सभी लोग जो आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 3 बजे से पुनीत सर पढ़ाते हैं, 4 बजे से मैथ्स अरुण से पढ़ाते हैं। अब आएगा तारीख आपकी 23 जून, दिख रहा है ना, वरना सुनाई तो दे ही रहा होगा, है ना। 23 जून से आपका इंग्लिश आपको पढ़ने के लिए बेसिक टू हाई मैं इंग्लिश का बैच लेकर आ रहा हूं, SBI PO, IBPS PO और क्लर्क दोनों की प्रिपरेशन को लेकर है। तो बेसिक टू हाई बैच है, इसकी टाइमिंग है 6 बजे, आपको ये कोर्स BCA मिलेगा, आपको बस एक बार बैंक सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको वो कोर्स मिलेगा जो कि 23 तारीख से शुरू हो रहा है। एंड वन मोर थिंग, 23 तारीख से अभिजीत सर का भी कोर्स शुरू होगा जो कि 1 बजे से होगा, GA को लेकर, जो कि 10,000 प्लस MCQ वाला बैच है, और ये बैच भी आपको उसमें मिलेगा। तो बेनिफिट इसका उठाओ जितना ज्यादा दोस्तों बेनिफिट उठा सकते हो। ओनली द वन थिंग, AVP10 इस कोड का इस्तेमाल करो, यू विल गेट 10% ऑफ। एंड वन मोर थिंग, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिलेगा जो कि पूरे 12 महीने के जितने भी बैचेस आएंगे, जितने भी एग्जाम्स आएंगे, सबको टारगेट करते हुए होगा। इसके अलावा सर, अगर हम आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी कहां से पढ़ें, हिंदी के लिए गणेश सर हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे सर हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कई सारी मैडम पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं जिनका आपको समझ में आएगा। सेम एज कंप्यूटर्स के लिए भी दोस्तों, कई सारे टीचर्स हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, आप विवेक पांडे सर से पढ़ सकते हैं, आप साहिल आचार्य सर से पढ़ सकते हैं, इनके अलावा भी बहुत से टीचर्स हैं, आप पढ़िए जिनका आपको समझ में आएगा, उनसे आप सीखिए, है ना। तो ये आप बेनिफिट उठाइए, किसी के लिए भी आपको एक भी सिंगल रुपया खर्च नहीं करना होगा एक्स्ट्रा। ओनली द थिंग इज, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, एंड डन, एवरीथिंग इज ओके, और कुछ नहीं करना। बाकी दोस्तों करते हैं हम खत्म, और कोई दिक्कत समस्या आएगी तो मुझे बताइएगा। ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए तो डोंट वरी, अरुण सर आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, अरुण सर की क्लास में जाना, वही आपको ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1200-1500 लोग ऐड हो चुके हैं, और जो लोग होंगे आप भी ऐड हो जाओगे, टेंशन ना लेना, है ना। मैं देख रहा था शायद 1200 के आसपास में, 1500 के आसपास हो गए थे, तो बाकी आप सबको भी ऐड कर लेंगे, आप सब ऐड हो जाना, टेंशन ना लेना, ठीक है। चलो खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं दोपहर को 2 बजे रीअरेंजमेंट की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरी पोएम सुनते जाओ जो आपको मोटिवेट करेगी, सुनो जरा। एक बात बताऊं मैं आपको, मायने ये नहीं रखता कि आपके पास कितना ज्ञान है, मायने तो ये रखता है कि आप उस ज्ञान से कितना कामयाब हो। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सब जानते हो ना, पर एग्जाम में सिलेक्शन हो पाया क्या? दूसरों से हर बार न जाने कितनी सलाह सुनी होगी आपने, पर याद रखना कि किसी की सलाह से सिर्फ और सिर्फ रास्ते मिलते हैं, मंजिल तो खुद की ही मेहनत से मिलती है ना। आप भले ही कितने भी गरीब घर में पैदा हुए हो, पर आपकी सोच और इरादे हमेशा मजबूत होने चाहिए, हमेशा बुलंद होने चाहिए, हमेशा याद रखना इस बात को। वो कहते हैं ना कि ख्वाब भले ही टूटते रहें मगर हौसले फिर भी जिंदा हों, हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हों। और बिल्कुल ये बात ध्यान रखो, अकेले ही आगे बढ़ा करो ना, आपको ना आपकी समाज में बहुत तरीके के लोग आपको मिलेंगे,
कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, पर जो गिरकर संभल जाए ना, बस वही जीता है बाजी, इस बात को याद रखना। हमेशा से ऐसा होता है, इसीलिए अकेले चलना सीखो। अकेले चलने वाले कोई घमंडी थोड़ी ना होते। दरअसल होता क्या है कि वो हर काम को ना अकेले करने के लिए ही काफी होते हैं, और आप अकेले ही काफी हो। तो आज अभी इस वीडियो के तुरंत बाद से कमर कस लेना, पढ़ना शुरू कर देना। 16 जून से आरबी की क्लासेस हैं, पढ़ना शुरू करो। 23 जून से IBPS की क्लासेस हैं, पढ़ना शुरू करो, है ना। मेरी इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हो ना, मैं आपको गारंटीड एक बात कह सकता हूं कि आप सच में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं अपने गोल को लेकर, और आप बैंकर जरूर बनेंगे। मेरे साथ कमेंट में एक बात लिखिएगा भी जरूर, आई एम अ बैंकर, बिकॉज आई नो यू आर अ बैंकर। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ बैंकर।